नमस्कार दोस्तों, वनलिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जोरदार लड़ाई चल रही है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर जमकर रॉकेट से हमले किए हैं। इसराइल ने फिलिस्तीन पर एयर स्ट्राइक से हमला किया, जिसके बाद कई लोगों की जान चली गई। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार तेज होती जंग को लेकर अब दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें, बीते दिनों में दोनों ही देशों की तरफ से कई रॉकेट और गोले दागे जा रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। भारत में भी इस मुद्दे को लेकर काफी बयानबाजी जारी है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का विवादों से गहरा नाता है। हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाने वाली कंगना एक बार फिर विवादों में है। इस बार वो टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान से भिड़ गई है। दरअसल पठान ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर ट्वीट किया, उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया। ट्विटर पर बैन होने वाली कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी से पठान पर निशाना साधा। इसके बाद भारतीय तेज गेंदबाज का भी जवाब आया। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ने दक्षिण अफ्रीका के स्टार क्रिकेटर कंगिसो रबाडा के ट्वीट को रिट्वीट किया। उन्होंने मंगलवार को लिखा था, अगर आप में जरा भी मानवता है तो आप जो फिलिस्तीन में हो रहा है उसका समर्थन नहीं करेंगे। रबाडा ने अपने ट्वीट में #PrayForPalestine लिखा था। कंगना को पठान का ये ट्वीट पसंद नहीं आया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी से भाजपा विधायक दिनेश चौधरी के ट्वीट का सहारा लेकर पठान पर निशाना साधा। जौनपुर के किराकत विधानसभा के विधायक दिनेश चौधरी ने लिखा था, इरफान पठान को दूसरे देश से तो इतना लगाव है, लेकिन खुद के देश में बंगाल पर ट्वीट नहीं डाल पाए। कंगना ने लिखा, पूरी दुनिया के मुस्लिम अपने इस्लाम के लिए हमास के जिहादी और आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए, लेकिन हिंदू और मुस्लिम बंगाल में हिंदुओं के नरसंहार पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जाते हैं तब भी ये लोग चुप रहते हैं। ये इन जयचंदों की वास्तविकता है। पठान ने कंगना को जवाब दिया, उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट सिर्फ मानवता और देशवासियों के लिए होते हैं। पठान ने लिखा, मेरे सभी ट्वीट मानवता या देशवासियों के लिए होते हैं। इसमें उस आदमी का नजरिया होता है जिसने देश को सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है। दूसरी ओर मुझे कंगना, जिनका अकाउंट नफरत फैलाने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है, और कुछ ऐसे लोग जिनके पेड अकाउंट से सिर्फ नफरत फैलाई जाती है, ये सुनना पड़ता है। आपको बता दें, हमास के दागे गए रॉकेटों के जवाब में इसराइल ने भी हमले तेज कर दिए। इसराइल ने गाजा पट्टी पर भी हवाई हमले किए और इजरायली तोपों ने जमकर गोले बरसाए। इसराइल के हमले में 10 शीर्ष चरमपंथियों के मारे जाने की खबर है। हवाई हमलों में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं, जहां हमास के अधिकारियों का ऑफिस था। दोनों ओर से हमले लगातार हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।